बीएसपी की चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं किया है जो विरोधी पार्टियों की सरकारें जो सत्ता में रही हैं आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं मथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे ख़त्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही
अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के बाद जब केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही तो जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको आरक्षण देने के लिए पहले काका का लेकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई। केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने उस समय उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसे भी इन्होंने लागू नहीं किया। जो और आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पिछड़ों को और अन्य जातियों को उनका पूरा लाभ मिले। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसे इन्होंने लागू नहीं किया तो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप लोग इनकी नीयत को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जातिवादी सोच है, नीति नीयत, इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। और मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है। बीएसपी को काफ़ी उस समय संघर्ष करना पड़ा, अथक प्रयास करने पड़े, जिसका अभी अतिवाद विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनके सम्मान मिल जाना चाहिए था। आज़ादी के बाद कांग्रेस को लगे हाथ ही बाबा साहब को ये सम्मान देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये सम्मान नहीं दिया। लेकिन जब बीएसपी पार्लियामेंट जीत कर आए 1989 में, श्री बीपी सिंह की सरकार में शामिल कराना चाहते थे समर्थन के लिए, सरकार में शामिल नहीं होना है, हमें आपका मंत्री पद का बड़ा पद नहीं चाहिए, हमें दो ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो और दूसरा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर। वो हमको बड़ा मंत्री पद देना चाहते थे, हमने बोला पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और उन्होंने हमने उनको समर्थन दिया और हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इसी पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले वह हर मामले में समर्पित
व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी के सरकार के चलते इनका भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने मान्यवर श्री कांशीराम जी को सम्मान नहीं दिया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी एसटी ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यह खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेष किसान कर्मचारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उन एवं कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर